हजारीबाग समाहरणालय गेट के समीप झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया है। हजारीबाग जिला इकाई राजस्व कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी मांगों में ग्रेड पे, प्रोन्नति, कार्य अनुभव की अवधि, राजस्व पोटेशन एक्ट, लैपटॉप एवं इंटरनेट की सुविधा, हल्का इकाई का पुनर्गठन, दोपहिया वाहन एवं ईंधन खर्च, सुरक्षा मुहैया, अंचल निरीक्षक के रिक्त पदों के भरने, राजस्व उप निरीक्षक के रिक्त पदों को भरने समेत कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछली सरकार से इस मामले में सहमति बनी थी, लेकिन वर्तमान सरकार इसे लागू नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बाद आय, जाति, आवासीय, LPC, मोटेशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का काम ठप है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का जायजा लिया हरसिद्ध टीवी के ब्यूरो प्रदीप पाठक ने, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं आवाज डेली हरसिद्ध टीवी और हम हैं समाहरणालय हजारीबाग के गेट पर और यहां पर एक हड़ताल हुई है और हड़ताल झारखंड राज्य राजस्व निरीक्षक संघ के द्वारा किया गया है। आप बता दें कि इन लोगों का काम क्या है और कितने लोगों को दिक्कत होगी, पहले इस बात को बताते हैं। जो सरकार अगर इनकी मांग को नहीं मानती है तो जनता पर क्या असर होता है सो देखिए। और ये हड़ताल पर आज से नहीं, मैं बता दूं कि पिछले 5 दिन से 16 तारीख से हड़ताल पर हैं, लेकिन इनके हड़ताल पर जाने पर कितने लोगों को दिक्कत है मैं बता दूँ। पढ़ने वाले कॉलेज स्कूल के जितने लड़के हैं उनको दिक्कत होगा, आम जनता का दिक्कत होगा। क्यों होगा इस पर भी बात मैं करता हूँ। आय, जाति, आवासीय, इन्हीं के कलम से आगे बढ़ती है। और बता दें कि जो भी मोटेशन हो, LPC बनना हो, इन्हीं के कागज से आगे बढ़ती है और आज ये हड़ताल पर हैं। किसी न किसी मामले पर सरकार से नाखुश है। क्या नाखुशी है? खुशी है कि हम लोगों की मांग मैच में भी हड़ताल हुई थी, हड़ताल हम लोग को लगता है लगभग 35 दिन चला था। उसमें मंत्री हम लोग थे अमर कुमार बावरी, उनके बीच में समझौता हुआ था कि जो 11 सूत्री मांगे हैं हम लोगों को समझौता में हमने दिया, समझौता हो गया। लेकिन आज तक जो है हमारे हरसिद्ध टीवी के जो देखने वाले हैं उनको आप 11 सूत्री अपना मांग को जरा सर शॉर्ट में बता दें। ठीक है, उसमें मांग पहला है कि दिनांक 10/10/2019 मैंने मांग को एक से बताइए 21 बताओ हाँ। दिनांक 10/10/19 को झारखंड सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे 2400 रुपये एवं 3 वर्षों के उपरांत 2800 की जाना नहीं आज तक नहीं। दूसरा हो गया उप समझौते के अनुसार अंचल निरीक्षकों के पद पर सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50% पद वरीयता एवं शेष 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता के आधार पर प्रोन्नति दिया जाना था, वो भी नहीं हुआ। उप प्रतियोगिता परीक्षा का प्रति वर्ष आयोजित की जाना था, वो भी नहीं की हुआ। पिछले 5 वर्ष से ना तो प्रोन्नति हुई है और ना सीमित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे हम लोगों में काफ़ी क्षोभ है। जबकि प्रत्येक पद डेट निकालना चाहिए परीक्षा का, उसमें है कि जो नहीं होने से जो अनुभवी लोग हैं जो योग्य है वह उस पद पर नहीं जा पा रहे। तीसरा है उप समझौते के आधार पर प्रोन्नति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में राजस्व निरीक्षकों का कार्य अनुभव 10 वर्षों के आधार पर 5 वर्ष है। पहले था कि 10 वर्ष जिसका कार्य अनुभव हो गया वही परीक्षा में बैठना था, लेकिन समझौता में यह हुआ था कि उसके जगह 5 वर्ष जो नौकरी कर चुका है जो राजस्व निरीक्षक उसको परीक्षा में दिया गया, लेकिन वह भी आज तक लागू नहीं हुआ। तीसरा है राजस्व प्रोटेक्शन को हटाना, जिससे क्या है कि हम लोग अर्धन्यायिक व्यवस्था में हम लोग काम करते हैं, हम लोगों से छोटी छोटी गलतियाँ है। अंचल अधिकारी, अंचल ऑफिस भी वो न्यायालय है, छोटा न्यायालय है, उसमें हम लोगों की जैसे होता है कि दाखिल खारिज कर दिए, आय आवासीय बनाए उसमें कुछ त्रुटियाँ हो गया, गलती हो गया, वही प्रतिवेदन दिए उसमें थोड़ा मोड़ा गलती हुआ, तो क्या होता है कि उसके लिए जाँच अधिकारी CO हैं, जो हमारे ऊपर CI हैं, CO के ऊपर LRDC हैं, अनुमंडल पदाधिकारी AC है, ऊपर किसी है, तो हम छोटे मोटे गलती करते हैं, हम लोग पर सीधे विभागीय कार्रवाई नहीं करके सीधे FIR कर दिए, जिससे हम लोग कितना बड़ा डकैती किए।
उसके उसके हमारे ऊपर देखने जो सीआई है, सीओ है, एलआरडीसी है, क्या मांगता है? मांगता कि डायरेक्ट केस हम लोग को नहीं किया जाए, हम लोग पर डायरेक्ट केस नहीं, मुकदमा नहीं दर्ज किया जाए। विभाग के स्तर, जो विभागीय स्तर है, डीसी का स्तर से, सीओ का स्तर से, एलआरडीसी का स्तर से, जो भी विभागीय नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट थाने के ऊपर सब थाना अपना मनमानी करता है, अपना जो बुझाए उस जैसे पर दफा लगा करके अंदर कर देता है। ये मांग ये नहीं होना चाहिए, जो अभी तक लागू नहीं हुआ, लागू मतलब ये करी करी लगभग हो ही चुका था, कैबिनेट में पास हो चुका था। ये 11 मांग आपकी है जो अभी तक नहीं हुआ। ये प्रोटेक्शन एक अब जब नहीं हुआ तब आप धरना पर बोला था नहीं, कार्यक्रम हम लोगों का 21 अगस्त से ही चल रहा है, 21 तारीख से राज्य स्तर पर चल रहा है, कलम्बन हड़ताल, हड़ताल के लिए काला जीरा लगाना, मुख्यमंत्री का लास्ट 14 तारीख है मुख्यमंत्री का आवास का घेराव किया गया, मांग पत्र सौंपा गया, लेकिन उस पर जब ध्यान नहीं देता अंतिम अंतर तो यही है कि हड़ताल पर हम लोग जाने का। तो हजारीबाग के पूरे झारखंड में और हजारीबाग में 16 अंचल है, 16 अंचल में काट। तो आप लोग यहीं पर रात दिन रहना है? नहीं, 10 से। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हुआ राम प्रकाश चौधरी, राजस्व निरीक्षण हजारीबाग जिला। 10 से 5 तक हड़ताल पर राजस्व कर्मचारी यहां बैठेंगे और सरकार इनकी आवाज़ सुनी तो फिर ये अपने काम पर लौटेंगे। आवाज़ डेली हर्षित टीवी से, मैं प्रदीप पाठक।